ओके गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, वो भी बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूवी है, अवतार 2। ओके गाइस, तो अवतार 2 जा रहे हैं, देखते हैं हमको टिकट मिलती नहीं मिलती है, क्योंकि टाइमिंग जो दिया गया था 8:20 का टाइमिंग था और पूरी फैमिली ने प्रोग्राम किया कि चलो आज जाते हैं। बहुत दिनों से इस मूवी का इंतजार कर रहे थे हम लोग, तो आज देखते हैं वो मूवी हमको देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लेट्स गो, सीधा जाते हैं ओएसिस मॉल। दो मॉल में लगा हुआ, एक ओएसिस मॉल में लगा है मूवी और एक लगा है सलाड़ा गार्डन मॉल में। तो हम लोग ने प्रीफर किया है कि ओएसिस मॉल चलते हैं, वहां पे जाते हैं, थोड़ा कंफर्ट फील करता है तो वहां जाएंगे, फिर ज्यादा रश नहीं होता है वहां पे। तो लेट्स गो गाइस। आप देख रहे हैं ये दो आलसी लोगों को देख रहे हैं, इनका नेल्स भी जो है उनका फादर काट रहा है ये उम्र में। ये गधों को देखो, काटते तो नेल्स को कुछ भी नहीं करता, उसमें काले काले डस्ट अंदर रहेंगे। बिफोर और आफ्टर का दिखाएगा, कचरे जो निकाल रहा हूँ मैं कोने कोने, मेरा तो साफ ही है। बाप रे, बोले तो हो गया। मेरा सही है। तो ये जो है इनका जो पेडिक्योर वगैरह जो कर रहा है ना फादर बैठ के, मेरा कर लेते थे पहले इतना टाइम। चमक गया, चमक गया पैर, आप देख रहे हैं खिलखिला रहे हैं ये पैर। देखो फिर कितना फर्क हो गया, देखो काले काले पैर के नाखून से, देखो अभी बस पूरा काला काला था एकदम, देख रहे गाइस नाखून चमक गया एकदम से, खिलखिला गया एकदम। स्किन है मेरा, इसका भी निकाल और पैर भी दिखा कितना साफ हो गया। फिर ऐसा ब्रशिंग कर लिया गाइस, ये पैर इतना गंदा मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। फ्री का पेडिक्योर बच्चों को कर रहा है, एक्चुअली ये काम करना चाहिए तो उनको, सुसु आ रहा है, ये काम करना चाहिए तो उनको, लेकिन मैं कर रहा हूँ। हाँ बताओ, बोले आज जोश में, आज मैं करूँ। जोश में करके नहीं है, तुम्हारी हालत देख के मेरे को करना पड़ा। ये देखो, ये देखो बाल्टी में, देखो अम्मा दिखाओ इनको, देखो मैंने इतनी मेहनत से लेकर गाइस। ये ले रहे हैं हम लोग शोरमा, अभी ट्राई कर रहे हैं, नया शोरमा शॉप खुला हुआ है तो देखते हैं कैसा है बनता है। जैसे कि आप सब देख सकते हो ये बंदा किस तरीके से फिलिंग डाल रहे हैं शोरमा के अंदर। ओके गाइस, ये शोरमा जो थोड़ा स्पेशल है, ये अच्छी तरीके से ग्रिल किया गया है, नया शॉप बना है और पब्लिक कैसा टेस्ट कर रहा है, ऑसम। ओके गाइस, ये है अवोकाडो जूस, बहुत ही टेस्टी होता है। ये भी जो है छोटा वाला साइज है, लेकिन छोटे में बहुत सारी क्वांटिटी होती है, ये 600 रुपए का, बहुत ही बेहतरीन है। ओके गाइस, ये अवोकाडो जूस जो है बहुत ही बेहतरीन था और इतना टेस्ट था कि आपको कैसे बताऊं मैं आपको। इसका लोकेशन मैं बताता हूं, जिस जिसको अगर ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हैं। लोकेशन है 23 जुलाई स्ट्रीट में, जैसा एंड होता है लुलू, आपको लुलू सेंटर जो मिलता है छोटा लुलू 5 नंबर में, हाँ वहाँ पे आपको ये मिलेगा। शॉप का नाम आई थिंक रूबरूमान है, उसके ऑपोजिट में जो है पैनासोनिक शॉप मिलेगा आपको और बहुत ही बेहतरीन 600 पैसे में आपको हाफ मिलता है और बड़ा जो है आई थिंक 1 रियल का, तो बहुत ही बेहतरीन, आप ट्राई करके देखिए। स्टैंडर्ड का जो लाइन बहुत ही नजदीक था, जो सेकंड लाइन ही खाली अवेलेबल है वो मूवीज है, वो आपके सामने है, तो हमने लिया है
डीलक्स का प्राइस था 3.9। थैंक यू। पॉपकॉर्न और जो है सॉफ्ट ड्रिंक ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। ग्लासेस मिली गई लेकिन ग्लासेस रिटर्न करना पड़ेगा। इंडिया में ऐसा ही था, इंडिया में लेके चले जाओ, जेब में रख के लेके जाओ। ओके गाइस, जो मूवी ऑसम मूवी अमेजिंग मूवी मूवी के बारे में जितना भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन हमको जो मूवी में लगा है वो थोड़ा सा स्लाइटली ऐसा लगा जैसे पहला मूवी जो था वो थोड़ा बेहतर था इससे, क्योंकि वो हम लोग ने फर्स्ट टाइम देखा था। और VFX इसका इतना बेहतरीन है गाइस, आपको क्या पता, ऐसा लगेगा कि अगर आप 3D में देख रहे हो तो मूवी में ऐसा लगेगा आपको जैसा आप खुद ही जो है वो फील कर रहे हो, आप खुद ही जो है दूसरी दुनिया में हो। और ये जो वीडियो है मतलब जो मूवी है ना वो पानी में बना है, मतलब पानी का जो है तो जो पानी और ड्रॉप और एक सीन रहता है जहाँ पर बारिश आता है, ओके, इट फील्स लाइक व्हाट इज रेनिंग ऑन यू। इतना बेहतरीन मूवी है गाइस, जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं आप लोग, और मेरे तरफ से तो उसको 10 out of 10। फॉर मी 10 out of 8। मैंने कहा भाई बीच में खींच दिए थे एंड देन खींच नहीं दिए थे, वो जो है उसके अंदर पानी का जो है अलग अलग जो है वो VFX दिखा रहा था पानी का। लेकिन बेहतरीन मूवी ऑल ओवर हम लोग बोलेंगे, हम सजेस्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा मूवी है। जिसने अगर नहीं देखा है देखना चाहता है तो प्लीज देखिए, और थिएटर में 3D में ही देखिए, क्योंकि 3D में ही मूवी का देखने का मजा है, वरना आपको मजा नहीं आएगा इसमें। और ये एक और चीज बता दो, इसके अंदर पे जो है आपको जितना फादर का रोल, आई मीन जो मेन रोल है एक्टर का, उससे ज्यादा जो रोल है सेकंड जनरेशन उनके बच्चों का है, तो और ज्यादा बच्चों को ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि किड्स के ऊपर थोड़ा सा मूवी बनाया हुआ है तो ज्यादा बेहतर लगेगा देखने के लिए, राइट ना। ओके गाइस, आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, दुआ में जरूर याद रखना। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।